डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन के तहत क्लास फर्स्ट मैथ के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ओलंपियाड एग्जाम में किस प्रकार के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने फिफ्थ चैप्टर तक के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे अवश्य देखें। और आज के चैप्टर टाइम एंड मनी के क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ आज का वीडियो ज़रूर देखिए और स्किप ना कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा टाइम। टाइम से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं चलिए उसे हम देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हो जाता है टाइम से। ऋषि फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम स्टार्टेड एट 8:30। द प्रोग्राम लास्टेड फॉर 3 hours। एट व्हाट टाइम डिड द प्रोग्राम एंड? ड्रॉ द टाइम ऑन द क्लॉक ऑन द राइट। ऋषि अपना फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम रात के 8 बजे वो देखना शुरू करता है और 3 घंटे तक प्रोग्राम देखता है। तो उसके प्रोग्राम का लास्ट कब होगा? घड़ी में यह दिया हुआ 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 3 घंटे के बाद घड़ी की सुई कहाँ पर रहेगी? स्टार्ट टाइम 8:30, सो ड्यूरेशन 3 hours, तो एंड टाइम हो जाएगा 8:30 प्लस 3 hours इक्वल टू 11:30। क्वेश्चन नंबर टू। मिसेज नादिया स्टार्टेड डूइंग द हाउस वर्क एट 8:00। सी स्पेंड 1 hour आयरनिंग द क्लॉथ एंड 2 hours क्लीनिंग द हाउस बिफोर हैविंग लंच। एट व्हाट टाइम डिड सी हैव हर लंच? सो द टाइम ऑन द क्लॉक। अब यहाँ हम आंसर देखते हैं। मिसेज नादिया जो है 8 बजे अपना काम स्टार्ट करती हैं और 1 घंटा प्रेस का काम होता है उनका, 2 घंटा हाउस को साफ करना। तो वो लंच कितने बजे करेंगी? तो स्टार्टेड टाइम 8:00 हो गया यहाँ से। टाइम स्पेंड ऑन आयरनिंग 1 घंटा एंड टाइम स्पेंड क्लीनिंग क्लॉथ्स क्लीनिंग हाउस 2 hours। तो सी हैड हर लंच 8 + 3 = 11। 11 बजे वह लंच लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। प्रणीत वेक अप एट 7:00 इन द मॉर्निंग। हिज ब्रदर वेक अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। हु वेक अप अर्लियर? अगर उसका भाई 7 बजे उठता है और उसका ब्रदर 6:30 बजे, तो सबसे पहले कौन उठता है उन दोनों में? तो आफ्टर हाफ ऑन द आर्ट्स 6:30 एंड आफ्टर हाफ इन टू 7। 7:00 कम्स आफ्टर 6:30, सो प्रणीत ब्रदर वेक अप बिफोर हिम। प्रणीत ब्रदर वेक अप अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। मिसेज डिनर टुक 1 hour टू वॉश द लॉन्ड्री एंड 1 hour टू प्रिपेयर डिनर। इफ सी स्टार्टेड 5:00, एट व्हाट टाइम डिड सी फिनिश प्रिपेयरिंग डिनर? आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, ओलंपियाड एग्जाम, यूनिफाइड ओलंपियाड एग्जाम, डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड एग्जाम समय समय पर होते रहते हैं, उसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और यूनिफाइड ओलंपियाड एग्जाम किस प्रकार के होते हैं उसके सारे डिटेल्स मैंने एक वीडियो में बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं डाल दूंगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 1 hour वो लॉन्ड्री एंड 1 hour डिनर प्रिपेयर करने के लिए, तो इक्वल टू 1 hour + 1 hour = 2 hours। और 5 बजे वो स्टार्ट होती हैं तो 7 बजे तक उनका डिनर प्रिपेयर हो जाएगा। नंबर 5। At what time will be our hand and the minute hand of a clock from the straight line, not one over the other, color the box which show the time? चलो, one hand is equal to 6:00। ये हमारा टाइम हो गया। अब हम देखते हैं मनी। मनी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं चलिए ये हम देख लेते हैं। क्लास फर्स्ट मैथ के हम देख रहे हैं। How many set of 30 paisa can you make using both 10 paisa and 5 paisa coin? 30 paise ka set banana hai jisme hame 10 paisa and 5 paisa ke coin dono ko add karna hai, to kis prakar banega? We have both 10 paisa and 5 paisa coin, so we cannot use all 10 paisa coin to make the set. We also cannot use all the 5 paisa coin to make the set. So now make a guess or use trial and error method by drawing diagram. Let's begin with 1 10 paisa coin and then 2 paisa coin and so on.
यहाँ चलिए देख लेते हैं, 10 पैसा प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 पैसे। एंड दूसरी पोजीशन हो सकती है 10 प्लस 10 एंड 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 पैसा। फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 पैसा होता है, लेकिन वी हैव टू यूज बोथ 10 पैसा एंड 5 पैसा कॉइन, सो वी कैन नॉट यूज ऑल 10 पैसा कॉइन टू मेक द सेट। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव 3 कॉइन्स, देयर टोटल वैल्यू ऑफ ₹65। तो वन इज द 5 रुपीज कॉइन एंड अदर कॉइन आर, सो चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। 65 रुपीज के 50 प्लस 10 प्लस 5 एंड अदर 2 कॉइन्स आर 10 पैसा कॉइन्स एंड 5 पैसा कॉइन, नो अदर कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्वीट्स 20 पैसा, एरेजर 25 पैसा, कॉम 60 पैसा एंड बर्थडे का 45 पैसा। रीता बाउट 3 आइटम ऑफ द सेम काइंड, सी पेड 60 पैसा ऑल टुगेदर, वाई डेट सी बाइंग। रीता 3 आइटम, एक ही तरह के 3 आइटम खरीदती है और जिसका कॉस्ट 60 पैसा है, जिसका ऑल टुगेदर कॉस्ट 30 पैसा है, तो वो कौन सा सामान खरीद सकती है। सो आंसर चलिए देख लेते हैं। This is the total amount of ₹60. We can easily guess the can item is the sweat. Sweat, let us check, 20 plus 20 plus 20 is equal to 60. Hence, Rita bought 3 sweats. B. Varun bought a comb. He gave the shopkeeper ₹1. How much change did he receive? 1 rupees is equal to 100 paisa. The comb cost 60 paisa. So 100 paisa minus 60 paisa is equal to 40 paisa. Varun received 40 paisa change. Question number 4. Riya exchanged 50 paisa coin for 10 paisa and 20 paisa coin. She got more 10 paisa coin than 20 paisa coin. चलिए इसके सॉल्यूशन पहले हम समझ लेते हैं। ट्राई टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशन। 50 पैसे को हम इस प्रकार ले सकते हैं, 20 प्लस 20 प्लस 10 पैसा। एंड दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 50 पैसे का 20 पैसा 10 पैसा प्लस 10 पैसा प्लस 10 पैसा। एंड तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 50 पैसे का 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ए इज नॉट द राइट कॉम्बिनेशन एज देयर आर मोर 20 पैसा कॉइन देन 10 पैसा कॉइन। सी इज ऑल्सो नॉट द राइट कॉम्बिनेशन एज देयर आर ओनली 10 पैसा कॉइन। सो बी इज द राइट कॉम्बिनेशन एज देयर आर मोर 10 पैसा कॉइन देन 20 पैसा कॉइन। So A, C got 120 paisa coin, B, C got 310 paisa coin, and C, 3 minus 1 is equal to 2, C got 2 more 10 paisa coin than 20 paisa coin, and D, C got a total of 4 coins. Question number 5. 10 1 rupees coin have been arranged in a triangle with 4 coins in the first row, 3 coins in second row, and 2 coins in the third row, and 1 coin in the fourth row. Reverse the triangle and changing the position of 3 coins only. You must now have 1 coin the first row, 2 coins the second row and so on. इसको हम उल्टा अगर करते हैं तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये था आपका 2 चैप्टर से क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वीडियो में क्लास सेकेंड मैथ के ही ओलंपियाड एग्जाम के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें, उसे देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बाय।